إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا علايا ہر قسم کی تعریفات توصیفات کبریائی بڑائی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا جس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا جس نے ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا اور پھر جس نے ہماری اور آپ کی کامیابی و کامرانی کے لیے ہماری اور آپ کی فلاح و بہبودگی کے لیے ہماری اور آپ کی بھلائی اور رہنمائی کے لیے اور ہمیں اور آپ کو اگنائے سپا تھرائے ارتھات صراط مستقیم پر غامزن کرنے کے لیے انتم مہارثی کی شکل میں انتم نبی کی شکل میں
जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। बादहू उस नबी अकरम पर हजारों हजार दुरूद व सलाम नाजिल हो, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि वसल्लम बारिक अलैहि। स्टेज पर तशरीफ फरमा हुए उस्ताद मोहतरम, स्टेज पर तशरीफ फरमा हुए दीगर उलमाए दीन सामने बैठे हुए बुजुर्गों और चारों अतराफ व अकनाफ से आए हुए नौजवान भाइयों और पर्दा नशी मेरी माएँ और बहनें, मैं कुरान करीम के अंदर से एक आयत करीमा की तिलावत की है इंशाअल्लाह ताला। जब तक आप लोग मेरा साथ देंगे और जब तक अल्लाह तबारक व ताला मुझे बोलने की तौफीक देंगे, तब तलक उसी आयत को मद्देनजर रखते हुए चंद बातें लफ्ज़ कुशाई या चंद बातें मैं आप लोगों के सामने बयान करूंगा। इससे कबल कि मैं अपनी बात का आगाज़ करूं, मैं अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करता हूं कि लहा आलमीन मुझसे पहले भी जितने भी उलमा इकराम स्टेज पर तशरीफ लाएं और कीमती कीमती बातों से सामेईन को खिताब किए, उन तमाम बातों पर और जो मेरी बयान होने वाली बातें हैं उन तमाम बातों पर, तो हम सबको सुनने के साथ साथ उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, पढ़िए अल्लाहुम्मा आमीन। मोहतरम सामेईन व हाजरीन जलसा, कुछ तमहीदी बातें मैं आप लोगों को बता दूं ताकि आप बखूबी ये समझ जाएं कि मैं आज कटिहार से आपकी सरजमीन पर आकर क्या बताना चाहता हूं, मेरा मकसद क्या है। देखिए जज्बाती तकरीर तो माफ़ कीजिएगा, मुझे इल्म है कलिया चौक वाले बहुत पसंद करते हैं, मेरी बातों को आज गौर से सुनिए। बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के इस इलाके में आया, यानी आपके इस गांव में आया। जज्बाती तकरीर आप लोग बहुत पसंद करते हैं, वो जज्बाती तकरीर क्या है वो हमसे आप लोग बेटर जानते हैं, बेहतर जानते हैं। लेकिन आज मैं नफरत की बात नहीं करूँगा, ना कोई सियासत की बात करूँगा, आज मैं अमन की बात करूँगा, मोहब्बत की बात करूँगा। कटिहार से मैं आपकी सरजमीन पर सिर्फ इसलिए आया ताकि मैं आज कलिया चौक के मुसलमानों को अमन का पैगाम दे सकूँ, कुरान और हदीस का सही पैगाम उन तक पहुँचा सकूँ। तो आज मैं मोहब्बत के ऊपर बात करूंगा। इससे कबल मैं आपको बता दूं कि आज हमारे मुआशरे हैं, अगर आप मुस्लिम मुआशरे पर, मुस्लिम सोसाइटी पर अगर नज़र दौड़ाएंगे तो आपको ये इल्म होगा, आपको ये पता होगा कि मुसलमानों के बीच दिन ब दिन दूरियां पैदा होती जा रही हैं। आज हमारे बीच, हम मुसलमान हैं, आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आपके गांव में ऐसा हो रहा है, आपके मोहल्ले में ऐसा हो रहा है, आपकी सोसाइटी में, आपके समाज में ऐसा हो रहा है कि आज हमारे बीच, मुसलमानों के बीच दूरियां पैदा होती जा रही है, नफरतें पैदा होती जा रही है। आज कोई ऐसा समाज हमें दिखा सकते हैं मुसलमानों का, कोई ऐसी सोसाइटी मुसलमानों की हमें दिखा सकते हैं आप कि जहाँ पर आज मुसलमानों के बीच नफरतें ना पनप रही हो? आज भाई भाई को कत्ल कर देता है, बाप बेटा को कत्ल कर देता है, बेटा बाप को कत्ल कर देता है, बेटा बाप से साल साल तक बात नहीं करता, भाई भाई से साल साल तक बात नहीं करता, एक मुसलमान दूसरे मुसलमानों को देखना गवारा तक नहीं करता। अगर हमारा पड़ोसी अगर मर जाए तो उसकी खबरगिरी करने वाला आज हमारे समाज में कोई मुसलमान नहीं है, हमारी सोसाइटी में कोई मुसलमान नहीं है। आज ये हालात पैदा हो चुके हैं, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मुसलमानों का ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे बताइए वो कुरान और हदीस की वो कौन सी तालीमात है, आप मुझे बताइए
कि कुरान हदीस का वो कौन सा दर्स है, कौन सा वो पैगाम है जो आप तक ना पहुंचाया गया हो। लेकिन कुछ फायदा ही नहीं होता है। अगर यूं कह लिया जाए, जब भी कलिया चौक की सरजमीन पर आता हूं, मौलाना आज यहां पे जलसा तो कल वहां पे जलसा है, मौलाना आज यहां पे जलसा, आज तो हम कंपटीशन में जलसा करते हैं, मुकाबला करते हैं, तुम जलसा करवाओगे हम जलसा नहीं करवाएंगे। जलसों के नाम पर करोड़ों रुपया जो पानी की तरह बहा देते हैं। माफ कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। आप ये मत समझिए कि मौलाना तनवीर आलम जलसे के खिलाफ है या किसी के खिलाफ बोल रहा है या किसी को भड़का रहा है। नहीं, मैं तो आज मोहब्बत की बात करूंगा, बस आपको मैं समझाना चाहता हूं। रात भर भर कर जागे, जाग जाग कर जलसा सुनते हैं, दूर दराज से उलमा को बुला कर लाते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या निकलता है? कुछ नहीं। रात भर बैठ कर जलसा सुनते हैं, सुबह होती है चाय की दुकानों पर गप्पे मार देते हैं, वाह मौलाना तनवीर ने फला को गाली दिया, मौलाना तनवीर ने फला को टारगेट किया, फिर सब नॉर्मल हो जाता है, हम उस पर अमल नहीं करते हैं। इसलिए जरूरी है कि जलसा करवाइए, ये अच्छी बात है। कुरान हदीस का दर्स सुनिए, ये अच्छी बात है। मौलाना को लाइए, मौलाना की इज्जत कीजिए, उनकी मेहमान नवाजी कीजिए, ये अच्छी सिफत है और ये सिफत होनी भी चाहिए क्योंकि नबी की सिफत है। लेकिन हमें और आपको अमल करना पड़ेगा जो सुनेंगे। बोलिए इंशाल्लाह, आज जितनी भी बातें होंगी हम सब अमल करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरे भाइयों, ये जो दुनिया है ना जहां पर हम और आप जिंदगी गुजारे, क्या समझ रहे हैं आप? यहीं पे हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रह जाइएगा। यहाँ पे आया, अभी खबर मिली कि जिस घर में था उसके कौन है रिश्तेदार में, उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह उनको अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, इंतकाल हो गया। तो हम और आप हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहने के लिए नहीं आए हैं। अरे इस दुनिया में हमें और आपको सिर्फ इसलिए भेजा गया है ताकि हम इस दुनिया में रहें, सब कुछ इस दुनिया में करें, लेकिन हम आखिरत की इस दुनिया में रहकर तैयारी करें। और जो इंसान, खुदा की कसम, जो इंसान इस दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी में जुट जाएगा, आखिरत की तैयारी में लग जाएगा, वो इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा और इंशाअल्लाह तआला वो आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। तो हाँ, मैं बता रहा था, आज हमारे बीच नफरतें पनप रही है। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमानों को देखना तक गवारा नहीं करता। इसकी वजह क्या है जानते हैं? इसकी बहुत बड़ी वजह कि आज हमने और आपने कुरान और हदीस को छोड़ दिया। बहुत बड़ी वजह कि आज हमने और आपने कुरान हदीस को छोड़ दिया। तो उससे नुकसान किसका हुआ? आपने कुरान हदीस को छोड़ा, हमने कुरान हदीस को ठुकराया, आपने कुरान हदीस को तर्क किया, आपके समाज के लोगों ने कुरान हदीस को तर्क किया, नुकसान किसका हुआ? अरे भाई जरा सोच कर देखिए, नुकसान तो आपका हुआ ना। क्या आपके समाज में कोई मुसलमान चैन की जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं? भाई 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 यानी बनकर जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं? भाई भाई के साथ संपर्क अच्छा नहीं है, क्यों? क्योंकि कुरान हदीस को हमने छोड़ दिया। आइए अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वअतसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू। इसका माना जानते हैं? इसका माना यह है कि जब तक आप किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल को, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़े रहेंगे, मजबूती के साथ थामे रहेंगे, इंशाअल्लाह तआला आप क्या करेंगे? फिरकों में नहीं बटेंगे, आपके दरमियान नफरतें पैदा नहीं होंगी, आपके दरमियान दरार पैदा नहीं होंगी, आपके दरमियान जुदाई पैदा नहीं होंगी। तो ज़रूरत है कुरान और हदीस को पकड़ने की। और यही बात अल्लाह के रसूल ने हजरतुल विदा के मौके पर फरमाया था, फाकिलू अय्युहन नास कौली, कि मेरे लोग, ऐ लोगो मेरी बातों को अच्छी तरीके से समझ लो, फइन्नी कद बल्लगतु, तहकीक के हमने दीन को, यकीनन दीन को तुम तक पहुँचा दिया, وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ لَنْ تَضِلُّوا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ, और मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल। अगर मजबूती के साथ थाम लोगे तुम गुमराह नहीं होगे, तुम्हारे दरमियान नफरतें नहीं पनपेंगी, तुम्हारे दरमियान जुदाई पैदा नहीं होगी। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का कत्ल नहीं करेगा, एक बाप बेटा का कत्ल नहीं करेगा, एक भाई भाई का कत्ल नहीं करेगा, जब तुम किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल को मजबूती के साथ थाम लोगे। आगे आइए, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको क्या फरमाता है। यहां से मैं अपनी बात का आगाज अब करता हूं तकरीर का। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इद कुंतुम आदान फअल्लफ बैन कुलूबिकुम फअसबहतुम बिनिअमतिही इख्वाना। ऐ कलिया चौक की सज़मीन पर रहने वाले लोगों, अल्लाह फरमाता है वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इद कुंतुम आदान फअल्लफ बैन कुलूबिकुम फअसबहतुम बिनिअमतिही इख्वाना। ओ लोगो, अल्लाह की उस नियामत को याद करो। ओ मेरी प्यारी माएँ और बहनों, अल्लाह की उस नियामत को याद करो जो तुम्हारे ऊपर क्या है। ओ लोगो,
अल्लाह के उस एहसान को याद करो जो तुम्हारे ऊपर क्या है। अब सवाल पैदा होता है, अल्लाह तेरा तो बेशुमार नियामतें हम जैसे मुसलमानों के ऊपर है, हे अल्लाह तेरा तो बेशुमार एहसान हम जैसे मुसलमानों के ऊपर है, तू किस नियामत को याद करने की बात कर रहा है? हे अल्लाह तू किस नियामत को याद करने को हमें हुक्म दे रहा है? हे अल्लाह तू यहाँ पर किस नियामत की बात कर रहा है? अगर हम मुसलमान अगर तेरी नियामतों को गिनना चाहें तो गिन ना सके, तेरे एहसान को किसी कॉपी के अंदर किसी यानी बुक के अंदर अगर दर्ज करना चाहें लिपिबद्ध करना चाहें तो लिपिबद्ध ना कर सके, उसको हम राइट ना कर सके लिख ना सके उसको हम दर्ज ना कर सके। हे अल्लाह तू ही बता दे तू किस नियामत की बात करता है। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना? कोई परेशानी होगी तो बताइएगा। وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ او لوگو تم لوگو میری اس نعمت کو یاد کرو کہ تم آپس میں دشمن بنے ہوئے تھے، تم آپس میں کیا تھے؟ دشمن بنے ہوئے تھے۔ دشمن دشمن بھی کیسی دشمنی، ذرا دیکھیے۔ اِن كُنْتُمْ أَعْدَاءً تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے بیٹھے تھے، دشمن بھی کیسی आज जैसा हो रहा है, जरा जरा सी बातों पर तुम्हारे दरमियान तलवारें चल जाया करती थी, जरा जरा सी बातों पर बाप बेटे का बेटे की गर्दन मार देता था, बेटा बाप की गर्दन मार देता था, भाई भाई की गर्दन को उड़ा देता था, ऐसी दुश्मनी थी। दुश्मनी भी कैसी, अच्छा तू मुझे बड़ा नहीं मानेगा, मैं बड़ा हूं ना तुझसे बड़ा हूं ना, तू मुझसे बड़ा नहीं मानेगा, नहीं तेरे को बड़ा नहीं मानने का, अच्छा तो खुद को बड़ा साबित करने के लिए भी लोगों की कत्ल कर दिया करते थे, लोगों की गर्दनें मार दिया करते थे। दुश्मनी थी तो कैसी दुश्मनी थी, तू छोटा है तुझे छोटा होकर रहना पड़ेगा मेरे सामने, अगर तू मेरे सामने सर उठाएगा अगर तेरी गर्दन मेरे सामने उठेगी तो तेरा तेरी गर्दन का तेरी गर्दन को यानी उड़ा दूंगा, तेरा सर कलम कर दूंगा, ऐसी दुश्मनी थी। आप हिस्से उठा कर देखिए इस्लामी। लेकिन फिर क्या हुआ, अल्लाह तबारक व ताला ने लोगों के दिलों में उल्फत पैदा कर दी, एक दूसरे के प्रति मोहब्बत पैदा कर दी, कुरान को भेजकर नबी को भेजकर, और ए लोगों तुम आपस में भाई भाई बन गए। हम दुश्मन थे लेकिन अल्लाह ने हमारे ऊपर यह एहसान किया, हमारे पास कुरान को भेजा, हमारे पास नबी को भेजा, और कुरान के जरिए से सुन्नत के जरिए से इस्लाम के जरिए से अल्लाह तबारक व ताला ने हमें और आपको भाई भाई बना दिया था 1400 साल पहले, भाई भाई बना दिया हमें और आपको। लेकिन आज रिजल्ट क्या निकला, आज हम और आप भाई भाई हैं? आह मेरे प्यारे साथियों, अब जरा देखिए अल्लाह के नबी जब आए मक्के के अंदर जो लोग रहते थे, जो सहाबी रसूल थे, जो हिजरत करके मदीने के अंदर आए थे उनको मुहाजिर कहा जाता है, और मदीने के अंदर जो सहाबा किराम रहते थे जिन लोगों ने मुहाजिरीन की मदद की थी, मुहाजिरीन की मद देखभाल की थी, उन लोगों को अंसार कहते हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल ने मुहाजिरीन के दरमियान और अंसार के दरमियान भाईचारा करा दिया। वो कलिया चौक वालों आप उन लोगों को ज्यादा आज समझने की जरूरत है, वो मौसमपुर वालों आप उन लोगों को ज्यादा आज इस बात को समझने की जरूरत है कि अल्लाह तबारक व ताला ने 1400 साल पहले अंसारियों से और मुहाजिरीन से कहा कि अंसारियों आज के बाद ये तुम्हारा भाई है, ये मुहाजिर तुम्हारा भाई है, और ये मुहाजिरों ये अंसार ब्याज के बाद तुम्हारा भाई है। यानी उन दोनों के दरमियान उन लोगों के दरमियान अल्लाह तब अल्लाह के रसूल ने भाईचारा कायम कराया, और वो लोग अपने सगे भाई से भी बढ़कर हो गए। आह काश क्या जो मोहब्बत अंसारियों के दरमियान पाई जाती थी, जो मोहब्बत मुहाजिरीन के दरमियान पाई जाती थी, अल्लाह अगर वो मोहब्बत हम जैसे मुसलमानों के दरमियान पाई जाती तो कितना अच्छा होता। वो लोग अपने सगे भाई से भी बढ़कर हो गए, हालांकि खून का रिश्ता नहीं था। अरे अंसार तो मदीने के रहने वाले थे, मुहाजिरीन तो मक्का के रहने वाले थे, बाप भी अलग माँ भी अलग, लेकिन उन सबका अकीदा एक, ईमान एक, अल्लाह एक, क्योंकि कुरान एक, और ईमान की बुनियाद पर अल्लाह के रसूल ने उन सब के अंदर भाईचारा कायम कराया, और ऐसा भाईचारा कायम कराया
कि मेरे प्यारे साथियों, आज भी उन लोगों की यानी मिसालें पेश की जाती है हम जैसे आप जैसे मुसलमानों के सामने। जरा गौर कीजिए, मक्के के अंदर रहने वाले एक सहाबी रसूल जिनका नाम यानी मुहाजिरीन में से एक सहाबी रसूल जिनका नाम है हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, मदीने के अंदर यानी अंसार में से एक सहाबी रसूल जिनका नाम है हजरत साद इब्ने रबी। जब इन दोनों के दरमियान अल्लाह के रसूल ने भाईचारा कायम कराया और कहा कि ए अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, आज के बाद ये तुम्हारा भाई बन गया, और ए साद इब्ने रबी, ये अब्दुर्रहमान इब्ने औफ आज के बाद तुम्हारा भाई बन गया। अब देखिए, हजरत साद इब्ने रबी जो अंसार में से थे, ये बड़े दौलत वाले थे, बड़े प्रॉपर्टी वाले थे, बड़े मालदार सहाबी रसूल थे, दौलत की कमी नहीं थी, प्रॉपर्टी की कमी नहीं थी, तिजारत वाले थे, बिजनेसमैन थे, और उस जमाने का सबसे बड़ा बिजनेसमैन भी बताया जाता है कौन, हजरत साद इब्ने रबी। हजरत साद इब्ने रबी ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ से कहा कि मेरे भाई, तू मेरा सगा भाई नहीं है, तू मेरी माँ के पेट से पैदा भी नहीं हुआ है, लेकिन तू ईमान की बुनियाद पर मेरा भाई है। ऐ मेरे भाई अब्दुर्रहमान, जाओ, मैंने अपनी प्रॉपर्टी को, मैंने अपनी जायदाद को, मैंने अपनी दौलत को, अपने माल को दो हिस्सों में तकसीम करता हूँ, दो हिस्सों में बांट देता हूँ। ऐ मेरे भाई, एक हिस्सा तुम रख लो, एक हिस्सा मैं रख लेता हूँ। जरा गौर कीजिए, एक हिस्सा तुम रख लो, मेरी जितने भी दौलत है, प्रॉपर्टी है, मैं दो हिस्सों में तकसीम करता हूँ, एक हिस्सा मैं रख लेता हूँ, एक हिस्सा तू रख ले। सिर्फ इतना ही नहीं, कुर्बान जाइए उन लोगों के भाईचारा पर। हजरत साद इब्ने रबी ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ से कहा, ऐ मेरे भाई, मेरे पास दो बीवी है, बीवी ने वाइफ, ऐ मेरे भाई, मेरे पास दो बीवी है, तू एक नजर मेरी बीबी की तरफ, दोनों बीबियों की तरफ तू देख ले। ऐ मेरे भाई, तुझे जो बीबी पसंद आए मेरी, बस एक बार इशारा कर दे, मेरे भाई मेरी दो बीबी है, ऑप्शन दे रहा है उनको, मेरी दो बीबी। अच्छा भला बताइए, अपनी बीबी को कोई देना पसंद करेगा किसी को? नहीं करेगा ना। लेकिन भाईचारा देखिए, कह रहा है कि मेरी दो बीबी है, तू एक नजर देख ले, जो पसंद आए बस इशारा कर दे, मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा, मैं उसे तलाक दे दूंगा, वो इद्दत गुजारेगी फिर तू उससे निकाह कर लेना, वो इद्दत गुजारेगी तो फिर उससे तू निकाह कर लेना। ये भाईचारा था, लेकिन आज हमारे दरमियान भाईचारा कहाँ गया? हालांकि अल्लाह के प्यारे रसूल